Hello, welcome back to Sapna Master IELTS. This video is related to the 7 cue cards. जी 7 cue cards, one answer. ये उन students के लिए है, those who don't have ideas, ज्यादा उनको vocabulary में problem होती है, ideas में problem होती है, and they don't know what to say in all the different cue cards. So this video is really be beneficial for all of you. आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं आइडियाज के लिए कि कौन कौन से आइडियाज हैं. जैसे कि एज यू कैन सी देयर आर वेरियस क्यू कार्ड्स, और 7 क्यू कार्ड्स होंगे, एक ही आंसर होगा. जैसे कि टाउन या सिटी के बारे में बताना हो, या फिर अ प्लान इन लाइफ जो कि वर्क और स्टडी से रिलेटेड नहीं है, जिसमें आप ट्रैवल बोलोगे ऑब्वियसली. और फिर सिटी आएगी, टॉल बिल्डिंग इन योर सिटी, इसका मतलब फिर प्लेस के बारे में बात हो रही है. अ कंपनी वे यू लिव दैट एम्प्लॉयज लॉट ऑफ पीपल, इसका अलग से भी क्यू कार्ड मैंने बना रखा है, उसके आप क्यू कार्ड की लिस्ट चेक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके इसका अलग से आंसर भी दे सकते हैं. इसमें भी बता रही हूँ कि कैसे करना है. देन ऑल्सो अ क्वाइट प्लेस यू लाइक टू स्पेंड टाइम. सो ये सारे क्यू कार्ड्स है अ टाइम वेन यू गॉट इन अ प्लेस. सो ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू अ प्लेस. प्लेस के लिए कौन कौन से एडजेक्टिव्स है जो हम यूज कर रहे हैं, एंड फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आपको पूरा का पूरा वीडियो दिखाएंगे जिसमें यू विल कम टू नो अबाउट द वोकैबुलरी. टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वेयर यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ वेरियस बुक्स. यस, और प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो ये है सैम्पल आंसर, जिसमें आपको सारे के सारे प्लेसेस के लिए आपको आंसर्स मिल जाएंगे, मींस आपको आइडियाज मिलेंगे और वोकैबुलरी मिलेगी. यू कैन यूज दैट. नाउ यू कैन सी कि आप सबसे पहले बोल सकते हैं कि आई एम अ ट्रैवल बग, या होडोफाइल बोलते हैं उनको. आप अपने एडवेंचर और मूड के हिसाब से यू गो टू वेरियस प्लेसेस. आप इनक्विजिटिव हैं, क्यूरियस हैं, यू एक्सप्लोर लॉट ऑफ प्लेसेस. किस लिए? ताकि आप उनका लाइफस्टाइल, उनके लोग, उनका फूड वहां का चेक कर सको, ट्रेडिशंस चेक करो, रिचुअल्स चेक कर सको. एंड यू वॉन्ट टू शेयर योर डिजायर कि आपका एक ड्रीम है दैट यू वॉन्ट टू गो टू अ प्लेस. कौन सी प्लेस है? वो क्वाइट अडॉब है, अबॉड है, जो कि जहां पे वो कोई प्लेस होती है उसको हम बोलते हैं, राइट, रहने के लिए प्लेस उसको बोलते हैं. तो आप ये वाली सारी चीजें उनके लिए यूज कर सकते हैं. और ये आपका फ्यूचरिस्टिक गोल है, मतलब ये आप फ्यूचरिस्टिक हो और आप फ्यूचर में यहाँ पे जाना चाहते हो, आपका एम है. ऑनेस्टली स्पीकिंग या फ्रैंकली स्पीकिंग, आप कहाँ पर गए थे, कौन सी प्लेस थी, वो प्लेस बताएं. सपोज कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, या फिर आपका कोई होम टाउन है, शिमला है, मनाली है. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इंडियन प्लेस, हिल स्टेशन के बारे में बात कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द वोकैबुलरी वर्ड्स विच यू कैन यूज, जैसे कि ऑ इंस्पायरिंग प्लेस है, फैसिनेटिंग है, टूरिस्ट स्पॉट है, पिक्चर्स क्यू है, एनचैंटिंग ब्यूटी है वहां की. तो कंटेम्प्रेरी सिटी है, मॉडर्न सिटी है, या ट्रेडिशनल सिटी है, हिस्टोरिक सिटी है, एंशियंट है, और ये काम प्लेस है, सूदिंग एक्सपीरियंस था आपका. अभी आप करंटली कहाँ पे रह रहे हो? हसल एंड बसल रहता है हमेशा, बसलिंग टाउन है और वहां पे हमेशा ट्रैफिक रहता है. लेकिन अभी जहां पर गए हो, दैट इज क्वाइट प्लेस, पीसफुल सी है आसपास, और आप वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है. और अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज का कंपनी का बोलते हो तो ये वाली चीजें आ सकती हैं. ये ट्रैंक्विल प्लेस है, सरीन प्लेस है, और सभी ऐसी चीजें ढूंढते हैं. एवरीबडी लुक्स फॉर दीज काइंड ऑफ प्लेसेस एंड यू आर नो एक्सेप्शन, मतलब आप भी उन्हीं में काउंट होते हैं, राइट. तो आप ये वाले सारे वर्ड्स तो यूज करेंगे ही. प्लस आप ये भी वर्ड कर सकते हैं कि आप यू आर कैप्टिवेटेड. कैप्टिवेटेड होता है कि आप अट्रैक्ट हो गए, मोहित हो गए, मेस्मराइज हो गए उस चीज को देख के. यू आर अ वॉन्डरर. वॉन्डरर मतलब आप घूमते हो, एक्सप्लोर करते हो चीजें. देन वहां की चीजें कैसी थी, स्ट्रेंज थी या फिर मार्वलस थी, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस. ये सारे के सारे वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट दैट प्लेस, दैट सिटी, योर ट्रैवलिंग प्लान्स, और द कंपनी जिसके बारे में बात करें. ये सारे वर्ड्स आपके उसमें आ सकते हैं. सो 7 क्यू कार्ड्स एंड 1 आंसर. You can use it and let me know how did you like it. Take care everyone. All the best.